जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम वीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी है। बहुत से हमारे ऐसे साथी मिले हैं जिनका यूपी पुलिस का पेपर ख़राब हो गया है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। उनका मन अब पढ़ाई में नहीं लग रहा है। अब दुविधा में है कि हम अपने आप को कैसे डीमोटिवेट होने से बचाएं और कैसे इस सदमे से अपने आप को उभारें। क्योंकि दोस्तों आप जब भी मेहनत करते हैं और आपको अपनी मेहनत के अनुसार रिजल्ट नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है दुख होता है और उस दुख से उभरने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप अगर कहीं फेल भी हो जाते हैं तो उसमें हो सकता है आपका भला छिपा हो, कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी मेहनत अभी उस लायक ना हो कि आपको ये चीज़ मिलनी चाहिए थी। हो सकता है कि आपकी मेहनत इस लायक थी लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ नहीं मिली क्योंकि आप इस योग्य नहीं थे, आप किसी और चीज़ को डिजर्व करते थे। अनेकों कारण होते हैं। तो आज सारे के सारे पॉइंटों पे चर्चा करेंगे दोस्तों। उससे पहले सभी साथियों से गुजारिश है दोस्तों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। देखिए पेपर ख़राब हुआ तो क्या करें, आगामी वैकेंसी योगी जी ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि 40,000 प्लस वैकेंसी यूपी में पुलिस की आने वाली है। और देखिए SI दरोगा की वैकेंसी भी आपको देखने के लिए बहुत जल्दी मिलेगी। तो अपनी तैयारी को रोकना नहीं है, अगर आप फेल हुए तो यहीं छोड़ दीजिए उस चीज़ को, क्योंकि पुरानी बातों को दोहराने से कोई आपको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। आप फेल हो गए छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, आप तैयारी कीजिए, नेक्स्ट दिन से तैयारी लग जाइए। ठीक है, सिलेबस देखिए, अगर आपका पेपर पूरा मतलब बिगड़ा है तो उसके पीछे कने कारण है। अगर इनमें से एक भी कारण है तो आप उस कारण का सोल्यूशन ढूंढिए, उस पर काम करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने ईमानदारी से कार्य किया तो आप एक नहीं अनेकों पेपर पास करेंगे। क्या आपने सिलेबस पूरा किया था? क्या आपने कंप्लीट सिलेबस किया था? रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट किया था आपने? मैथ का सिलेबस कंप्लीट किया था? भाई जीके को हम नहीं कह सकते क्योंकि जीके का कोई सिलेबस नहीं होता, लेकिन छोटी मोटी जीके आपने पढ़ रखी होगी। क्या आपने हिंदी का सिलेबस पूरा किया था? सिर्फ सिलेबस पूरा करने से कुछ नहीं होता है, आपने कई कई बार उसे रिवीजन दिया था। एक बार सिलेबस करने से सिलेक्शन नहीं हो सकता, कम से कम आपको 5-6 बार सिलेबस करना पड़ता है, आपको 5-6 बार उस सिलेबस में से निकलना पड़ता है, मॉक लगाने पड़ते हैं, जो आपने मॉक में गलतियां की हैं उन गलतियों पर काम करना पड़ता है, तब जाकर आपकी तैयारी होती है। अगर आप इतना कर चुके हैं और फिर भी आपका पेपर बिगड़ा है तो आप लकी हैं, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, आप किसी और चीज़ को डिजर्व करते हैं। और अगर आपने ये नहीं किया है अभी तो दोस्तों आप पहले इस चीज़ को कीजिए, जब तक अगली वैकेंसी आपको देखने के लिए मिले या फिर आप किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले पहले आप इस चीज़ को पूरा कर लीजिए। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को पूरा नहीं करोगे तब तक दोस्तों आप कामयाबी की ओर नहीं जाएंगे। दूसरा देखिए, क्या आपने ईमानदारी से पढ़ा, क्या आपने ईमानदारी से पढ़ा या नहीं, ये आप अपने अंतर्मन से पूछिए कि आपने पढ़ने में कितनी ईमानदारी दिखाई है और कितनी आपने ईमानदारी नहीं दिखाई है। पढ़ना ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, आपको एक चीज़ को कई बार पढ़ना है। एक बार सिलेबस पढ़ने से, एक बार कोर्स पूरा करने से, कि किसी का भी हमने कोर्स ले लिया उसका कोर्स पूरा करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप उसे कम से कम 4-5 बार ना पढ़ लें, मॉक ना लगा लें, तब तक आपको वो बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। दूसरा अभ्यास किया, आपने कितनी प्रैक्टिस की है, आपने कितने मॉक लगाए हैं और फिर आपने अपनी गलतियों पर काम किया या नहीं किया। जब तक आप अपनी गलतियों पर काम नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आपको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। ठीक है, या फिर लक खराब है, जैसे आपकी OMR सीट रोल नंबर भरने में गलत हो गया, 2 गोले हो गए, आपकी आंसर सीट भरने में गलती हो गई, ये चीज़ लक के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी तैयारी पूरी थी, आपका प्रश्न भी ठीक ठाक बना, 100+ प्रश्न बने, 110, 115, 120, 112 प्रश्न बने, लेकिन फिर भी आपकी अगर OMR सीट गलत है तो ये थोड़ा बहुत लक का खेल है। आपको सावधानी पूर्वक OMR सीट फिल करनी थी, इतनी जल्दी बिल्कुल नहीं दिखानी है, क्योंकि दोस्तों कोर्ट के कई बार निर्णय आ चुके हैं कि जो बंदा OMR सीट अच्छे तरीके से नहीं भर सकता वो सरकारी योग्य नौकरी को किस प्रकार करेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी गलतियाँ होती हैं जो कि हाई कोर्ट डिनाई कर देता है, इन्हें मना कर देता है। तो सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जब भी आप OMR सीट भरें तो उसे सावधानी पूर्वक हाथ रोक कर भरें, और छोटी मोटी अगर गलती हो भी जाती है तो देखिए
इसमें अगर आपका एग्जाम सेंटर गलत है तो हो सकता है उसमें आपको छूट मिल जाए। बुकलेट सीरीज गलत है, 1% आपको बख्शीश मिल सकती है, क्योंकि बुकलेट सीरीज और ओएमआर सीरीज दोनों सेम होती है, उसमें अलग नहीं होती है। ठीक है, 1% मिलनी नहीं चाहिए, वो भी रोल नंबर आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। बाकी आप हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं आप उन्हें सुनिए, ठीक है। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप अपने आप को कसूरवार मत समझिए, आप ये समझिए कि आप इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हैं, आपके नसीब में कुछ और चीज़ है, आप उस चीज़ की तैयारी कीजिए। अब आगे देख लेते हैं भाई, अगर OMR रॉन्ग है तो आप अपने आप को कसूरवार ना समझें, जो होगा वो होने दीजिए, जब आपका रिजल्ट आएगा तो क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। आप इन चीज़ों को बार बार सोचकर अपना दिमाग ख़राब मत कीजिए, आप अपनी तैयारी को बनाए रखें और तैयारी को बूस्टर देते रहें। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, अगर आपके 105-100 प्लस नंबर हैं, 100 क्वेश्चन हैं आपके, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए। 4800 मीटर आपकी रेस है, लड़कियों के लिए 2400 मीटर रेस है। अगर आपका शरीर इस योग्य नहीं है कि आप फिजिकल को नहीं मार सकते, नहीं पास कर सकते, तो आप अपनी तैयारी को अभी से कीजिए, क्योंकि आपको अपने शरीर को इस लायक ढालने में काफ़ी समय लग सकता है। और योगी जी का अनाउंसमेंट है कि बहुत जल्दी ये वैकेंसी पूरी होगी, इतनी जल्दी आपको ये वैकेंसी पूरी होती दिखेगी बहुत जल्दी, क्योंकि एक बार पेपर दोस्तों कैंसिल हो चुका है, दोबारा री एग्जाम हुआ है। अब आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है कि आपको फिजिकल के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।